हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में होली स्पेशल एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी का नाम है कांजी वड़ा की रेसिपी, जो राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो ये तैरते हुए पानी के अंदर में, कांजी के पानी के अंदर में वड़े देख के मुँह में पानी तो आ रहा होगा, तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी भी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें कांजी बनाना है। कांजी बनाने के लिए 2 चम्मच राई मैंने यहाँ पर ली है और नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली लेना है। यहाँ पे मैं काला नमक डालूंगी 1/2 चम्मच। हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हो। रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे डाला है और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पहले मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और उसके बाद में जितना हमें कांजी का पानी चाहिए उतने पानी हमें डाल देना है। यहाँ पे मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो कांजी सबको बहुत पसंद है, कांजी का पानी। तो ये इसे कांजी का पानी जो है ये बिल्कुल बन गया है। इसे हमें 2 दिन लगता है कांजी का पानी बनने में, तो हमें इसे अब ढक करके धूप ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप आती है वहाँ पे रख देना है। अब दूसरी तरफ अगले दिन मैंने यहाँ पे दाल भिगोई है। मैंने मूंग की दाल ली है और उड़द की दाल ली है। आप चाहो तो सिर्फ मूंग की दाल भी ले सकते हो। इसे वॉश करके हमें 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है। उसके बाद हमें इसे दरदरी पीस लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह का दरदरी पीस ली है मैंने मूंग दाल को, दोनों दालों को। इसमें मैं यहाँ पे जीरा डालूंगी, साथ ही मैं इसमें डालूंगी नमक हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, रेड चिली पाउडर, अब हमें यहाँ पे डालना है थोड़ी सी हींग, और यहाँ पे मैं साबुत धनिया डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच। साबुत धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और थोड़ा सा मैं 1 चम्मच के लगभग बेसन डालना है। बेसन से ये बहुत अच्छा बाइंड हो जाता है, जिससे हम जब वड़े को फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में बिखरेंगे नहीं। वड़े फ्राई करने के लिए हमें हाथों में थोड़ा सा पानी लगा करके उसके बाद वड़ों को ऑयल में, गरम ऑयल में छोड़ना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम वड़े छोड़ेंगे, हर एक वड़े के पहले हमें हाथों को गीला ज़रूर कर लेना है, वरना वड़े उतारने में हमें बहुत दिक्कत होगी। वड़ों को इस तरह से हम थोड़ा चिपटा शेप में, गोल और चिपटे शेप में बना सकते हैं, या फिर आप चाहो तो सिर्फ गोल, बिल्कुल गोल गोल बॉल की तरह शेप में भी बना सकते हो। तो ये सारे वड़े जो है हमें इसी तरह फ्राई कर लेना है। वड़े की दाल अगर हम दरदरी पीसते हैं तो एक तो हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत इजीली फ्राई हो जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि जब हम कांजी के अंदर में वड़ों को छोड़ देते हैं और हमारी जो दाल अगर दरदरी होती है तो वो 2 दिन अगर रह भी जाए तो बिखरते नहीं हैं। अगर बारीक पीसी भी रहे तो वड़े जो हैं वो लास्ट में एकदम बिखरते जाते हैं। तो इन सबको हमने पलट लिया है। इस तरह से बार बार टर्न करके हमें सब तरफ से उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, हमारे जो बड़े हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। हमें इन्हें धीमी आंच में पकाना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है, मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हमने बाकी के जो वड़े हैं वो सारे फ्राई कर लिए। अब हमें पानी लेना है, अच्छा पानी, साफ पानी, और उसमें इन सब वड़ों को डुबा करके रख देना है 1/2 घंटे के लिए।
ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो पानी में निकल जाएगा और हमारे वड़े जो हैं वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। इन्हें मैं ढक के रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। ये हमारे आधे घंटे हो चुके हैं। अब देखिए ये वड़े जो हैं वो बिल्कुल पानी जो इसमें एब्जॉर्ब हो गया है और एक्सेस ऑयल था वो निकल चुका है। अब इस एक्सेस वाटर को हम इस तरह से हथेली से प्रेस करके और हमने सारे वड़ों का पानी निकाल लिया है। दूसरी तरफ हमारी जो कांजी है वो देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कांजी को जरूर से 2 दिन पहले बना के रख ले, वरना कांजी खट्टी नहीं होती है। और कांजी वड़ा का पानी अगर कांजी खट्टा ना हो तो इसमें कोई खाने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो इसमें हमें अब अपने सारे वड़े जो हैं वो तैरने के लिए छोड़ देने हैं। बस अब इन्हें डिप करके और हमें इसे 3 से 4 घंटे मिनिमम रख देना है ढक के। ये 3 से 4 घंटे बाद देखिए हमारे जो कांजी वड़े बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना सुंदर इनका कलर आया है। जितने अच्छे में ये दिखने में लग रहे हैं उतने ही अच्छे ये खाने में भी हैं। इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और आप इसे चाहो तो फ्रिज में रख के ठंडा भी सर्व कर सकते हो। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी नई लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपके पास लगातार पहुँचती रहे। थैंक यू।